हजरत पवन साहब ने बहुत देर तक आपसे गुफ्तगू की और हम आपका शुक्रिया अदा करें। महफिल का यही माहौल है, ऐसे ही महफिल को सजाए रखिएगा। मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत ही कम कर रहा हूँ, बल्कि ना के बराबर सिर्फ शायर को आप तक पहुँचाऊँगा। कोई इसमें ज़रूरत नहीं, वो जो सफ़र वो छोटे माइक से लेके पोडियम तक का सफ़र है वो भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि महफिल बहुत शानदार हो रही है, बहुत अच्छी महफिल हो रही है। इसी तरीके से तआवुन करते रहिए, इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ मंजिल मकसूद को पहुँचेगी। पवन मंगलौरी, जो मंगलौर हरिद्वार की सरजमीन का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, हरिद्वार की नुमाइंदगी की उन्होंने, आप तक शेर पहुँचाए, इमाम हुसैन के हवाले से बात कर रहे थे, आप दादो तहसीन से नवाज रहे थे। हजरत ज़रा सा किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गौर कर लीजिए और उसके बाद जो बात मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ उसे गौर कीजिए। हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना रईस अहमद साहब क़िबला जारचवी के मिसरे मुझे याद आ गए, मैं वो आप तक पहुँचा रहा हूँ कि शहरक की आबरू को बढ़ाया हुसैन ने, शहरक की आबरू को बढ़ाया हुसैन ने, क्या जोर है लहू में बताया हुसैन ने। हाँ जरा थोड़ा संजीदगी की तरफ आ जाइए तो बात आप तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। शहरक की आबरू को बढ़ाया हुसैन ने, क्या जोर है लहू में बताया हुसैन ने, तेगों में जिंदगी को सजाया हुसैन ने, तेगों में जिंदगी को, सुनिएगा हुजूर अहसन भाई बड़े कीमती मिसरों का इस्तेमाल किया इस वक्त मैंने, कि शहरक की आबरू को बढ़ाया हुसैन ने, क्या जोर है लहू में बताया हुसैन ने, तेगों में जिंदगी को बचाया, तेगों में जिंदगी को बचाया हुसैन ने, तेगों में जिंदगी को बचाया हुसैन ने, और रन में खुदी का शहर बनाया हुसैन ने। बात हाजिर कर रहा हूं कि माबूद इश्क राह का पत्थर न हो सका, माबूद इश्क राह का पत्थर न हो सका और खंजर का कद गले के बराबर न हो सका, माबूद इश्क राह का पत्थर न हो सका, खंजर का कद गले के बराबर न हो सका, खंजर का कद गले के बराबर न हो सका। आज की ये महफिल जिस इब्तदाई मरहले से शुरू, मतलब कामयाब तरीन महफिल चल रही है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं बगैर किसी तमीज के एक और शायर को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, जिन्होंने लखनऊ में कहीं और अशार पहुंचाए हों, पढ़े हों न पढ़े मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि इदारे वारिस काबा की जानिब से पहली बार इस महफिल में शिरकत करने वाला शायर, कानपुर की नुमाइंदगी करने वाला शायर, बड़े अच्छे तरन्नुम के साथ आप तक शायरी पहुँचाने वाला शायर, बड़ी अच्छी फिक्र आप तक पहुँचाने वाला शायर, मोहतरम जनाब कलीम दानिश इस महफिल में पहली बार तशरीफ़ लाए हैं। कलीम दानिश साहब कानपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामईन को नवाजें। हाजरीन बावाज़े बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल कीजिए। एक मतला और एक शेर आप सब की मोतबर समातों को सुपुर्द करता हूं, मुलाजा फरमाए। नूर उतर कर आसमानों से जमीन पर आ गया, नूर उतर कर आसमानों से जमीन पर आ गया, नूर उतर कर आसमानों, नूर उतर कर आसमानों से जमीन पर आ गया,
और जो संवारेगा जमाने का मुकद्दर आ गया, जो संवारेगा जमाने का मुकद्दर आ गया। रोशनी ही रोशनी रोशनी ही रोशनी घर में अबू तालिब के है, फातिमा बिनते असद का नूर पैकर आ गया, फातिमा बिनते असद का नूर पैकर आ गया। और रात एक मनकबत मुकम्मल पेश कर रहा हूँ, बारगाहे सरकारे मौलाए कायनात ने मुलाहजा फरमाए। ज़बां पर जब अली शेरे खुदा का नाम आता है, ज़बां पर जब अली शेरे ज़बां पर जब अली शेरे खुदा का नाम आता है, लहू को जोश जुर्रत का नया पैगाम आता है, लहू को जोश जुर्रत का नया पैगाम आता है, लहू को जोश जुर्रत का। शेर पेश कर रहा हूं, अरबाब इल्म व दानिश तशरीफ रखते हैं, मुलाहजा फरमाएं। अली जब राह चलते थे तो बोल उठती थी सब आंखें, अली जब राह चलते थे तो बोल उठती थी सब आंखें, वो देखो सामने वो मजहब इस्लाम आता है, वो सामने वो अली जब राह चलते थे तो बोल उठती थी सब आंखें, वो देखो सामने वो मजहब इस्लाम आता है, वो देखो सामने वो मजहब इस्लाम आता है, अली जब राह चलते थे। और सितारे चांद सूरज दोस्त दुश्मन अपने बेगाने, सितारे चांद सूरज दोस्त दुश्मन अपने बेगाने, अली का नाम मुश्किल में सभी के काम आता है, अली का नाम मुश्किल में सभी के काम आता है, अली के। और ये शेर भी हाजिर कर रहा हूं, मुलाहजा फरमाए। खुदा को याद करता है बुरे वक्तों में जब कोई,
खुदा को याद करता है बुरे वक्तों में जब कोई अली का नाम लब पर सूरत इनाम आता है, अली का नाम लब पर सूरत इनाम आता है। और ये भी शेर हाजिर कर रहा हूं कि नजफ की वादियों से करबला की समत दीवाना, नजफ की वादियों से करबला की समत दीवाना, लबादा गम का ओढ़े सूरत एहराम आता है। लबा और ये शेर भी हाजिर कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए, कोई कुवत झुका सकती नहीं उसका सरे ईमान, कोई कुवत झुका सकती नहीं उसका सरे ईमा, हुसैनी जज्बा लेकर जो सरे हंगाम आता है, हुसैनी जज्बा लेकर जो सरे हंगाम आता है, और जो अहले बैत पर कुर्बान कर दे जान को अपनी, जो अहले बैत पर कुर्बान कर दे जान को अपनी, उसी के वास्ते खुल दे बरी का जाम। और हज़रात इजाजत दें तो चंद शेर और आपकी खिदमत में पेश करूं। मोहतरम अर्शी भाई का हुक्म था और उनके हुक्म की तामील में हाजिर हुआ। ये चंद शेर आप सब की समातों को सुपुर्द कर रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं। दरअसल मुस्तकिल चार रोज से सफर पर हूं और मुतासर गला कुछ शिकार है। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सब की समातों तक कुछ अच्छे शेर पहुंचा सकूं, मुलाहिज़ा फरमाएं। मुलाहिज़ा फरमाएं, जी शुक्रिया। मतलब पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाएं। तश्ना लब थे न मगर घूम के देखा पानी, तश्ना लब थे न, तश्ना लब थे मगर घूम के देखा पानी, आज भी रोता है तकदीर पे बहता पानी, आज भी रोता है। तश्ना लब थे न मगर घूम के देखा, आज भी रोता है तकदीर पे बहता पानी, आज भी रोता है। एक मतलब और हाजिर करता हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं।
अर्शी भाई, ये अभी दो रोज पहले ही मुकम्मल किया ये कलाम। इल्तिजा करता है हर एक से बहता पानी, इल्तिजा करता है, इल्तिजा करता है हर एक से बहता पानी, याद शबीर को भी कर लेना जो पीना पानी, याद शबीर को भी कर लेना जो पीना पानी। शेर मुलादा फरमाए रात, जिक्र जब तशनगी कर्बला का आया, जिक्र जब तशनगी जिक्र जब तशनगी कर्बला का आया, गिरिया बादल ने किया टूट के रोया पानी, गिरिया बादल ने किया टूट के रोया पानी। और सब के सब प्यास से बेचैन थे खेमे वाले, सब के सब प्यास से बेचैन थे खेमे वाले, गैर मुमकिन था के पी लेती सकीना पानी, गैर मुमकिन था। और रात ये शेर भी हाजिर कर रहा हूं, समाप्त फरमाए, याद आते हैं मुझे हजरत अब्बास के हाथ, याद आते हैं मुझे हजरत अब्बास के हाथ, याद आता है वो मशकीज़े में भरना पानी, याद आता है। और जंग का नक्शा बदल देते जनाबे कासिम, जंग का नक्शा बदल देते जनाबे कासिम, मिल गया होता अगर उनको जरा सा पानी, मिल गया होता। और मख्ता समात फरमाए कि वो तो शाबीर थे क्या कर नहीं सकते थे कलीम, वो तो शाबीर थे
क्या कर नहीं सकते थे कलीम का से ख्वाजा में जब आ गया सारा पानी का से ख्वाजा में।